Hey everyone, welcome back to my channel which is Live Life with Beauty, and here I am Priya Shivam. Today I'm going to share with you this elegant Valentine's look which is created in a very easy way. So without wasting your time, let's start the video. तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप कर लूँगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स राइस टोनर। इसे एयर ड्राई कर लिया है मैंने, उसके बाद सेकंड मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लैक्मे 9 to 5 एलोवेरा मॉइस्चराइजर, एंड दिस मॉइस्चराइजर इज बेस्ट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। तो इस मॉइस्चराइजर की जगह पर आपके पास जो भी अवेलेबल हो मॉइस्चराइजर, आप वो यूज़ कर लें या सिरम यूज़ कर लें या फिर फेसियल ऑयल यूज़ कर लें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैंने लिया है आई एम्स्टरडैम की प्राइमर जो काफ़ी अच्छी है, सिलिकॉन बेस्ड है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन ट्यूब वाली, जिसमें मेरा शेड है वार्म न्यूड। उसके साथ मैंने रोज़ फेशियल ऑयल मिक्स किया है 2 ड्रॉप्स, और उसके साथ मैं डॉट्स देते हुए पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अब इसे मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर दिया, और फेशियल ऑयल डालने के कारण ये काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जा रही थी जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैंने लिया है फिटमी कंसीलर इन दी शेड मीडियम। तो मैंने सबसे पहले अपर आईलिड एंड अंडर आईज पर इसे अप्लाई किया है, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर दिया है, और हल्के हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं इसे सेट कर लूँगी, जिसके लिए मैंने मेबलिन की फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, और स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने पूरे अंडर आईज और अपर आईलिड को सेट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर अपना बेस रेडी कर लिया है, अब मैंने इसे मेकअप फिक्सर से सेट कर लिया है ताकि ये लास्ट लॉन्ग रहे। उसके बाद मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैब करते हुए सेट कर लिया है। ऐसा करने से आपने जो भी फाउंडेशन अप्लाई किया है वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ आईब्रो, जिसे मैंने सबसे पहले स्पूली की हेल्प से कॉम कर लिया है, और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन शेड को मिक्स करते हुए आईब्रो को फिल किया है। ओके, तो आई मेकअप से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है कलर बोर्ड की शेडो पैलेट, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो सबसे पहले मैंने एक लाइट कोरल शेड लिया है और उसे क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लिया है, साथ ही साथ ब्लेंड भी करते रहना है। तो मैंने ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन को सबसे पहले बिल्ड किया है। नेक्स्ट मैंने डार्कर कोरल शेड लिया है और उसे पूरे आईबॉल पर अप्लाई किया है ब्लेंड करते हुए। थोड़े थोड़े अमाउंट में शेड लेना है, ब्लेंड करना है, फिर लेना है, फिर ब्लेंड करना है। इस प्रोसेस से आपका जो भी आई मेकअप है वो काफ़ी ईजी तरीके से बिल्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ब्राउनिश कोरल शेड, आप बोल सकते हो, बट इसमें ब्राउन टिंच ज़्यादा है, जिसे मैंने आउटर वी पे सबसे पहले प्रेस किया है, फिर इनर वॉट्स में इसे ब्लेंड किया है। सबसे ज़्यादा आउटर वी पे आपको तो प्रेस करना है, उसके बाद इसे इन वॉट्स डायरेक्शन में ब्लेंड कर देना। उसके बाद मैंने स्मजिंग ब्रश लिया है, और उसमें सेकेंड शेड मैंने जो मीडियम कोरल शेड लिया था उसे लोअर लैश लाइन पर स्मज करते हुए ब्लेंड कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ कट क्रीज, जिसके लिए मैंने कंसीलर को एक स्मॉल फ्लैटर ब्रश की मदद से अपने 1/3 आईबॉल पर अप्लाई कर लिया है, इनर टू 1/3 आईबॉल। इसके बाद मैंने इसे एक कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से सेट कर लिया था। फिर मैं यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ एक कोरल शिमरी शेड, जो बहुत ही सॉफ्ट शिमर था, उसे मैंने एक ब्रश की मदद से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लिया है जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर। उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से पूरे शेड्स को ब्लेंड कर दिया है, खासकर उसके एजेस को। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ प्रेस्ड ग्लिटर, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ही फॉल आउट नहीं हुई, और शेड में ये थोड़ी सी क्रीमी सिल्वर टोन में थी, जिसे मैंने सेंटर आईबॉल पर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सेंटर बॉल पर अप्लाई किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर लिया फॉल्सेस, जिसे मैंने ऑफ स्क्रीन ही अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ आईलाइनर, जिसके लिए मैंने लिया है NYB की ब्लैक जेट आईलाइनर, और उसकी हेल्प से मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर। फिर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा, मस्कारा के लिए मैंने लिया है मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, जिसकी मदद से मैं फॉल लैसेस एंड ओरिजिनल लैसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए अप्लाई कर लूँगी। अपर आई लैशेस के साथ मैंने लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई किया, क्योंकि इस लुक के लिए मैं कोई भी काजल यूज़ करने वाली नहीं हूँ। अब मैं इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी हाईलाइटर ब्रिक्स यूज़ किया है, उसमें से मैंने एक सिल्वर
पिंक टोन वाली हाइलाइटर पिक किया है, जिसकी हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरे आई को भी कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे डन होता है मेरा आई मेकअप। अब मैं करने जा रही हूँ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने लिया है एक ब्राउन शेड, जिसे मैंने साइड एंगुलर ब्रश की मदद से अपने चेक्स को, नोज़ को और जॉ लाइन को कॉन्टोर कर लिया है। कॉन्टोरिंग करने से आपकी जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे से उभर के दिखती है, तो प्लीज़ कॉन्टोरिंग अवॉइड ना करें। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ, कॉन्टोरिंग लाइट करें बट करें। ओके, अब मैं अपने सारे हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी। उसके लिए मैंने सेम स्विस ब्यूटी हाईलाइटर लिया है और उसकी मदद से अपने जैसा कि चिकबोन, नोज ब्रिज, नोज टिप, क्यूपिड बो, चिन और थोड़ी सी मैंने फोरहेड पर भी अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ डन होता है मेरा हाईलाइटर। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश। ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ कोरल पिंक शेड, जिसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा डैप कर लूँगी, ताकि वो नेचुरल इफेक्ट दे और इवन लगे। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है लैक्मे 9 to 5 बेरी पेस्ट शेड। मैं सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ और इसके ऊपर से मैं अप्लाई करने जा रही हूँ शक्ति बाय NY बे लिक्विड लिपस्टिक इन द नंबर 3। मुझे जिस तरीके का शेड चाहिए था, मैंने इसलिए डबल लिपस्टिक अप्लाई की है। दोनों डिफरेंट शेड हैं, दोनों को मिक्स करके जो शेड क्रिएट हुआ वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया है। तो यहाँ कंप्लीट होती है मेरी ये वैलेंटाइंस डे लुक, जो कि मैंने काफ़ी इसी तरीके से क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक पसंद आई होगी। और अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इस जैसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू।